आज हम बात करेंगे आप कैसे एक IAS ऑफिसर बन सकते हो। इसके लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एज चाहिए, कितने बार आप अटेम्प्ट दे सकते हो, एग्जाम के लिए क्या क्या तैयारी करना होगा, ट्रेनिंग कितने महीने का होता है, सारी कुछ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ठोक देना, और चैनल में अगर नया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम हमारे चैनल में अपलोड करते रहती है। तो वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप IAS एग्जाम यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, इस एग्जाम को आप देंगे तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये एक सिविल सर्विस एग्जाम है जिसके अंदर IAS, IPS, IRS, IFS पूरे 24 तरह का सर्विस के लिए सिलेक्शन होता है, जिन्हें UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है। आप IAS एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको क्या क्या पोस्ट मिलेंगे, इनको क्लियर करने के बाद आपको अलग अलग पोस्ट मिलेंगे, जैसे DM, SDM, कमिश्नर और भी काफी ज़्यादा पोस्ट आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। अगर आप एक IAS ऑफिसर बनने चाहते हो तो इसके लिए आपको पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसके लिए पहले आपको 12वीं परीक्षा पास करना है, किसी भी स्ट्रीम से, साइंस हो जाए, कॉमर्स हो जाए, आर्ट्स हो जाए, किसी भी स्ट्रीम का आपको पास करना है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, वो BA हो जाए, BCom हो जाए, BTech हो जाए, किसी भी स्ट्रीम से आपको पास करना है ग्रेजुएशन। बिना ग्रेजुएशन डिग्री के आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो, ग्रेजुएशन आपको चाहिए चाहिए। एज और अटेम्प्ट को लेकर बहुत लोगों का अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन रहती है, तो आप में एज और अटेम्प्ट को लेकर डिस्कस करेंगे। तो जनरल के लिए जो एज रहती है वो 21 से लेकर 32 साल तक होती है, और एज 6 टाइम तक इस एग्जाम पर बैठ सकती है। और OBC के लिए जो एज रहती है वो 21 से लेकर 35 तक होती है, और 9 बार इस एग्जाम पर बैठ सकती है। और SC ST के लिए 21 से लेकर 37 तक होती है, और ए इसका कोई लिमिट नहीं है बैठने का, ए 21 से लेकर 37 जितने बार वो अटेम्प्ट दे सकती है वो दे सकती है। और फिजिकल डिसेबल आदमी के लिए ए 21 से लेकर 42 साल तक होती है, और इनके अंदर जनरल 9 बार अटेम्प्ट दे सकती है, और इनके अंदर SC ST के लिए कोई लिमिट नहीं है। जम्मू और कश्मीर बासिंदा को भी बहुत ज़्यादा छूट मिलती है, जैसे जनरल के लिए 21 से लेकर 37 तक होती है, और OBC के लिए 21 से लेकर 40 साल तक होते हैं, और SC ST के लिए 21 से लेकर 42 साल तक होती है। और इधर पर जो फिजिकल डिसेबल आदमी रहती है उनका 50 साल तक टाइम दिया जाता है। UPSC एग्जाम के लिए तैयारी। IAS बनने के लिए आपको पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम देना होगा, जिसमें 2 पेपर रहती है और 200-200 नंबर का होता है। इधर पर आपको जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछी जाती है, जिसमें 4 ऑप्शन रहती है, यानी कि इधर पर आपको MCQ क्वेश्चन पूछी जाती है। इस एग्जाम पास करने के बाद आपको मेन एग्जाम में बुलाया जाती है, यानी कि बैठने का अनुमति मिलती है। मेन एग्जाम में 9 पेपर रहती है, जिसमें क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाई जाती है, और इंटरव्यू करीबन 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक होता है। इधर पर आपका बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंट, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर से जुड़ी सारी क्वेश्चन आपको पूछे जाती है। प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू पूरी करने के बाद कैंडिडेट को IPS की 21 महीने ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और इस ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी होती है। उसके बाद उन्हें 12 महीने के लिए जिला प्रशिक्षण दिया जाता है। इस ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आप एक IAS ऑफिसर बनोगे। सभी का मन में यही क्वेश्चन रहती है कि IAS ऑफिसर बनने के लिए कितने ज़्यादा हमको चांस मिलेगा। तो चांस के बारे में बताऊँ तो इधर पर चांस बहुत ही सीमित रहती है। पिछले साल मोर देन 11,000 स्टूडेंट एग्जाम में बैठा था, और क्वालिफाई सिर्फ 1,000 स्टूडेंट क्वालिफाई हुआ था। तो चांस के बारे में आप सोच ही सकती हो। अब इनकी सैलरी के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो सैलरी जो बेसिक से सैलरी रहती है IAS ऑफिसर का वो 56,000 रहती है, और जो सबसे ज़्यादा रहती है वो 2.5 लाख तक होती है, और ये हमारा भारत का सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित एक नौकरी है।
तो इसका सैलरी बेसिक 56 रहती है।